एक नया शो और एक नई कहानी, और इस नए शो नई कहानी में एक बहुत ही स्ट्रांग किरदार लेकर आ रही हैं नारायणी शास्त्री जी। नारायणी इस वक्त मेरे साथ हैं। नारायणी जी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। बहुत वक्त के बाद मुलाकात हो रही है, स्पेशली एक साल तो कोविड में ही निकल गया, एक साल खा गया कोविड हमारा। ये जो नया किरदार है, इसके बारे में कुछ बताइए। पिछली बार चक्रव्यूह में आप नजर आई थी और वो भी बड़ा सॉलिड कैरेक्टर था। इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खतरनाक सा कैरेक्टर होने वाला है। सर, अपने सबसे किरदार के बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आपको एक्चुअली पता था इससे पहले मैंने कौन सा शो किया है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो हमसे सवाल पूछते हैं, उनको यही नहीं पता होता हमने क्या किया है। मुझे लोग बोलते हैं आप कम बैक कर रही हैं, मैंने बोला मैं एक साल बाद तो आ रही हूँ, एक साल कम बैक थोड़ी ना होता है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई एम प्लेइंग राजवी। राजवी बिजनेस वुमन है, बहुत ही, अब सी बिजनेस वुमन जब होते हैं तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग हेडेड, वेरी सॉर्टेड इन लाइफ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, शी इज़ अ डोटिंग मदर, शी इज़ अ लविंग वाइफ, बहुत ही प्यारी बहू है और बहुत ही सबको साथ लेकर चलती है। तो कहना चाहिए एक बहुत नॉर्मल इंसान है, बट बिजनेस को लेकर बहुत कड़क है। अच्छा, लेकिन जो आपने कहा एक डॉटिंग मदर, इस पे मेरा एक सवाल है। एक बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार है और दूसरे से हल्की हल्की सी तकरार है, इसकी वजह भी मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ आपसे। एक्चुअली उसकी वजह मैं बता दूंगी तो एपिसोड्स खुल का खुलासा हो जाएगा, बट वजह है और वजह स्ट्रॉन्ग है। एक बेटे ने की है कुछ भूल जिसके वजह से वो बहुत नाराज़ रहती है उससे, बट वो नाराज़गी है, वो नफरत नहीं है। और कितना भी माँ बाप बोल लें, कोई एक बच्चा फेवरेट होता ही है, भले प्यार हर बच्चे से करती हो, बट यू नो एवरी पेरेंट लाइक्स वन चाइल्ड मोर, दे लव एवरी वन इक्वली, बट दैट लाइकिंग फैक्टर जो होता है, आई थिंक दैट इज वॉट राजवी इज ऑल अबाउट। ये आपकी बात से मैं अग्री करता हूँ, मेरे दो भाई बहन हैं और मैं जानता हूँ आप क्या कह रही हैं, मैं जानता हूँ ये क्या कह रही हैं, ये एक बच्चा फेवरेट होता ही है दो तीन भाई बहनों में। डेफिनेटली। तो इस सिचुएशन में आपका जो फेवरेट है वो दर्श है, और दर्श की वजह से शायद, जो दर्श के लिए आपका प्यार है, जो दर्श के लिए आपका केयर है, उसकी वजह से शोभित कहीं ना कहीं थोड़े से इग्नोर हो जाते हैं, शायद नाराजगी है वो भी एक वजह हुई। एक्चुअली दर्श इतना परफेक्ट सन है ना कि वो मौका ही नहीं देता है उस पर गुस्सा करने का, और शोभित सारे मौके देता है। तो बाय डिफॉल्ट ऑल्सो सो शोभित इज अ लिटिल मोर चाइल्डिश, ही इज नॉट एज सॉर्टेड एज दर्श। तो कहना चाहिए हर पेरेंट अब बच्चों में खुद को ढूंढता है, और दर्श में उसको वो खुद बहुत ज़्यादा नजर आती है। राइट। अच्छा, एक चीज़ और, प्रोमोज में जो हमने देखा कि आप अपने दर्श के लिए एक बहू ढूंढ रही हैं, एक ऐसी बहू ढूंढ रही हैं जो दर्श की कमियों को नज़रअंदाज करके दर्श को प्यार करे, दर्श को अपनाए, ना घर की दौलत देखे, ना दर्श की डिसेबिलिटी देखे, लेकिन दर्श को अपनाए। इस बहू की तलाश में, राजवी की तलाश, ये जो पूरी कोशिश है कहाँ तक पहुँची है? लड़की मिली आपको अभी तक या बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा? अरे अभी तो बहुत टाइम है, अगर लड़की मिल जाएगी तो सीरियल बंद नहीं हो जाएगी, तो भी तो टाइम है, काफी टाइम है। अच्छा, किस तरीके की बहू होनी चाहिए? और जब बहू आ जाएगी, दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जब बहू आ जाएगी तो क्या जो नॉर्मल सास बहू का टेंशन होता है, जो नॉर्मल सास बहू ड्रामा हम इंडियन टेलीविजन में देखते हैं, वो देखने को मिलेगा? एक्चुअली ये वन ऑफ द बिग क्वेश्चंस था, क्या यू मेकिंग अ सास बहू? तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं। ये शो मेरी लेने की एक बहुत बड़ी वजह ये थी, मुझे राजश्री के साथ काम करना बहुत बहुत इच्छा थी मेरी, मुझे हम आपके हैं कौन वाली फील, एवरीबडी लव्स एवरीबडी, नोबडी इज़ द विलन, सिचुएशन कुछ हो जाए तो हो जाए, मैंने प्यार किया हो तो मुझे ऐसा, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क विद देम बट आई कुड नेवर। बट द फील ऑफ दिस शो इज दैट एवरीबडी लव्स ईच अदर, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स ईच अदर, एंड देन थिंग्स हैपन। तो दिस इज वॉट द फील ऑफ द हाउसेज। मैं आपका सवाल ही भूल गई। हाँ, तो जो बहू होगी वो कैसी होगी? हाँ, बहू कैसी होनी वो चाहिए? बहू ऐसी होगी जो हम सब में फिट हो जाए, जैसा आपने कहा, ना दौलत देखे, ना जायदाद देखे, और ना ही कमियां देखे, क्योंकि राजवी के हिसाब से दर्श में कोई कमी है ही नहीं, वो डिसेबिलिटी है ही नहीं, वो स्पेशल नहीं है, क्योंकि वो अपनी एक कमी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दे रहा है, ही इज़ अचीविंग एवरीथिंग इन लाइफ, तो कहाँ से कोई कमी हुई? एंड दैट्स वॉट शी वॉन्ट्स, कि जो लड़की हो वो एग्जैक्टली वैसी सोचे, दया नहीं करे और सहारा नहीं बने, बट इक्वल पार्टनर बने, और ऐसी सोच है तो सास बहू वाला एंगल भी नहीं होता। हाँ, और मुझे लगता भी नहीं कि नारायणी अब सास बहू ड्रामा करने में इंटरेस्टेड है, ये मुझे लगता है इतने सालों के करियर के बाद तो कहाँ सास बहू ड्रामा करेंगे आप। एक्चुअली अगर कोई एकदम अच्छी तरह से सास बहू बनाएगा ना, तो विलेन विलेन वाला, हाँ ऐसी वाला,
तो करने में मजा आएगा. यू रियली वॉन्ट टू डू नेगेटिव, बिकॉज आपको कभी नेगेटिव में देखा नहीं है नारायणी. हाँ कुसुम है, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई अब. लेकिन पिछले इतने सालों में आपको नेगेटिव कैरेक्टर में नहीं देखा है, तो आप इंटरेस्टेड है नेगेटिव करने में? और किस तरीके का नेगेटिव होना चाहिए? कोमोली का टाइप? हाँ, मैंने कभी कोमोली का टाइप नहीं किया है. मतलब इतना, मतलब उसका कोई लॉजिक ही नहीं है नेगेटिव होने का. वो करने में बहुत मजा आएगा. अच्छा एक चीज़ और, इस शो का ऑफर आपने क्यों चूज़ किया? ऑब्वियसली बहुत सारे ऑफर्स होंगे, कोविड के बाद सभी सीरियल्स की शूटिंग वापस शुरू हुई, बहुत सारे शोज बंद हुए और उससे दोगुने शोज वापस शुरू हुए चैनल्स पे. व्हाई दिस शो स्पेसिफिकली? वॉज देयर लाइक समथिंग स्पेशल अबाउट दिस? जैसा आपने कहा कि राजश्री वाला जो फील है वो आप करना चाहती थी, लेकिन इसके अलावा और कोई एक फैक्टर अगर आप बताना चाहें? अपार्ट फ्रॉम दिस राजश्री फील, आई थॉट ये जो मदर और सन का बॉन्ड है, मुझे ऐसा लगता है ऑडियंस हमारी ना बड़ी इमोशनल है, उन्हें ये सारी चीज़ें देखने में अच्छा लगता है और वो एक फील आती करते वक्त, समथिंग क्लिक्स के आई लाइक डूइंग दैट, बिकॉज व्हेन आई लाइक डूइंग इट ऑडियंस विल लाइक वॉचिंग इट, एंड व्हाइल परफॉर्मिंग आई नो आई एम डूइंग इट राइट, आई नो आई एम डूइंग समथिंग राइट. तो जब उन्होंने, हमने ये सीन्स पढ़े थे, जब मुझे स्क्रिप्ट भेजी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा द वे शी इज स्टैंडिंग अप फॉर हर सन, द वे शी थिंक्स, जो उसका आउटलुक है अबाउट डिसेबिलिटी. आई थॉट शी इज अ स्पेशल पर्सन एंड आई वुड लाइक टू प्ले हर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैंने उनके बारे में बहुत तारीफ सुनी थी. एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, स्टार प्लस इज फील्स लाइक यू कमिंग बैक होम. लास्ट शो भी उस पर ही था, स्टार प्लस, सो देर इज अ कम्फर्ट फैक्टर. तो स्पेशली वेन यू आर वर्किंग विद कम्प्लीटली न्यू पीपल ना, वो कम्फर्ट फैक्टर एटलीस्ट एक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो बस ये सारे रीजन्स थे. अच्छा, ये जो नए लोगों की आपने बात करी, इन सभी लोगों के साथ आप पहली बार काम कर रही हैं, विजेंद्र के साथ, अभिषेक के साथ, दोनों को मैं बहुत पर्सनली अच्छे से जानता हूँ. विजेंद्र थोड़े शांत हैं, लेकिन अभिषेक उतने ही मस्ती खो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं. तो अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे जिसमें परेशान किया हो आपको अभिषेक ने? अभी तक नहीं. प्रोफेशनल, उनको सारी लाइनें याद रहती हैं. और एक्चुअली मैं शायद मस्ती खो टाइप नहीं हूँ, इसलिए मुझसे क्या मस्ती करेंगे. और थोड़ा डर भी लगता है क्या? हाँ शायद. अच्छा अब आपके लुक के ऊपर आते हैं. ये जो पूरा आपने बताया कि जो किरदार है राजवी का, वो बिजनेस वूमन का है, उसी तरीके से आपको पूरा अटायर दिया गया है, ज्वेलरी बहुत एलिगेंट है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं. आपका क्या इनपुट रहा है इस पूरी लुक में, ज्वेलरी में आपका क्या इनपुट था? जीरो. क्या होता है ना, हर इंसान का एक कैरेक्टर को देखने का तरीका बहुत अलग होता है. और मैं मानती हूँ मेरा काम है सिर्फ सजेशन देना कि मुझ पर ये अच्छा लगता है और मुझ पर ये अच्छा नहीं लगता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, दे हैव रिटन द कैरेक्टर, दे हैव थॉट फॉर इयर्स और मंथ्स अबाउट दिस कैरेक्टर, तो मैं इंटरफियर नहीं करती हूँ टिल आई फाइंड माई सेल्फ नॉट लुकिंग नाइस. इफ आई एम लुकिंग फाइन, आई डू नॉट इंटरफियर. सो दिस हेड टू टो इज. तो जरा अपने लुक के बारे में कुछ बताइए, किस तरीके की साड़ियाँ आप पहनेंगी? इसी तरीके की, मतलब ग्लिटरिंग साड़ियाँ होंगी, ज्वेलरी ऐसी हैवी होगी? आई डोंट नो, आई थिंक ये हमारा डिस्कशन में हुआ था कि हम कोई ऐसा डेफिनेट लुक नहीं रखेंगे कि ये सिर्फ ऐसे ही कपड़े पहनती है और ये सिर्फ ऐसी बिंदी लगाती है. कभी बाल खुले होंगे, कभी बाल बंद होंगे, मौके के हिसाब से. कोई अच्छी बहुत खूबसूरत साड़ी हुई, जैसे मैंने प्रोमो में वेलवेट की साड़ी पहनी थी, इट लुक्ड ब्यूटीफुल. अब ये बनारसी है, तो वी आर नॉट सेइंग कि ये ऐसी ही है और ऐसे ही कपड़े पहनती है. वी आर अ लिटिल मोर फ्लेक्सिबल इन दैट, विच इज़ मोर नॉर्मल ना. कौन लड़की normal, होती normal, है normal. कौन औरत होती है जो सिर्फ एक तरह के कपड़े पहनती है? ऐसा तो कोई नहीं होता. सो कीपिंग इट रॉ एंड वेरी वेरी नेचुरल एंड कैजुअल. अच्छा लास्टली, पूरे शो की तरफ से, पूरी टीम क्रू की तरफ से और नारायणी की तरफ से, आप सभी फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी? बहुत कम वक्त बचा है शो के ऑन एयर जाने में, सो ऑब्वियसली नर्वसनेस भी होगी और बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी होंगी शो से. आप क्या मैसेज देना चाहेंगी सभी व्यूअर्स को, फैंस को हमारे जरिए? मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, हमेशा अगर आप मेरा कोई भी इंटरव्यू उठाकर देख ले कोई नए शो से पहले, एक बार देख कर तो देखिए, नहीं पसंद आए तो नहीं पसंद आए, बट आई एम श्योर आपको पसंद आएगा. बहुत दिल से काम कर रहे हैं और बहुत प्यारे मोमेंट्स है. तो एक बार 4-5 एपिसोड का वक्त दीजिए एंड देन डिसाइड. चलिए, थैंक यू सो मच नारायणी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. तो ये थी नारायणी शास्त्री, जो राजवी के किरदार में आप सबके सामने आ रही हैं एक नए शो के साथ. कैमरामैन संतोष तिवते के साथ पारस कोठारी, इंडिया टीवी, मुंबई.